Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start standard 9th maths 2 chapter number 3 triangles and our topic is practice set 3.5. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है. इफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर, ये जो साइन है ये है सिमिलर का. सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन, ये दो ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है. राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स एंड ऑल्सो राइट द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. हमें क्या राइट करना है, राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल. हमें करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स फाइंड करना है एंड ऑल्सो राइट द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. साइड का रेशियो और एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड करना है. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही है. सॉल्यूशन, ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन. देखिए 10th स्टैंडर्ड में सिमिलैरिटी चैप्टर में भी ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है और ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन हमें गिवन है और हमें करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड करना है. तो देखिए इजी मेथड से, यहाँ पे फर्स्ट लेटर एक्स है ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का फर्स्ट लेटर एल है. फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से हम इक्वल बताएंगे, मीन्स एंगल एक्स कॉन्गोरेंट टू एंगल एल. हमने फर्स्ट और फर्स्ट लेटर को कॉन्गोरेंट बताया. अब सेकंड लेटर देखो, यहाँ पे वाई है और यहाँ एम है. एंगल वाई कॉन्गोरेंट टू एंगल एम. थर्ड लेटर जेड है और यहाँ थर्ड लेटर एन है, तो एंगल जेड कॉन्गोरेंट टू एंगल एन. इसे हमने रीजन दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ये तो हो गए हमारे तीनों एंगल. अब हम साइड लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड. अब साइड के लिए देखिए इजी ट्रिक्स, यहाँ के दो लेटर और यहाँ के दो लेटर, इस फर्स्ट और सेकंड लेटर फर्स्ट ट्राइंगल के, फर्स्ट और सेकंड लेटर सेकंड ट्राइंगल के. अब हमने ये दो लेटर लिए तो रेशो बन जाएगा हमारा एक्स वाई डिवाइड एम एन. यहाँ के टू लेटर और यहाँ के टू लेटर दोनों को डिवाइड किए इज इक्वल टू सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड. वाई जेड डिवाइड एम एन इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड एक्स जेड अपॉन एल एन. हमने लिया एक्स वाई अपॉन एल एम इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन एम एन इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन एम एन. इसे हम ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट और थर्ड. इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है. इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, हमें ट्राइंगल एक्स वाई जेड गिवन है. एक्स वाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, अंडरलाइन करो. वाई जेड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एक्स जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड के तीनों साइड हमें गिवन है. और क्या गिवन है, इफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर. एक्स वाई जेड पी क्यू आर को सिमिलर है एंड पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. पी क्यू का वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है. देन फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड, हमें बचे हुए साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड करना है. तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखिए हमें जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड था उसके साइड एक्स वाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है, वाई जेड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है और एक्स जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है. और ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है. ये चारों भी साइड हमें क्वेश्चन में गिवन है. ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर. देखिए हमने एज इट इज लिया ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर. अब हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे, एक्स वाई डिवाइड पी क्यू. एक्स वाई डिवाइड पी क्यू इज इक्वल टू वाई जेड डिवाइड
QR. YZ upon QR is equal to XZ upon PR. हमने corresponding side का ratio लिया. अब हम value put करेंगे. XY का value है 4. Divide का sign. PQ का value 8 is equal to YZ का value 6. Divide. QR हमें find करना है. Is equal to XZ का value 5. Divide. PR का value भी हमें find करना है. हमें एक रेशो गिवन है 4/8 और यहाँ देखिए हमें QR का वैल्यू और PR का वैल्यू फाइंड करना है. तो अब हम ये दोनों रेशो लेंगे. फर्स्ट रेशो लेंगे 4/8 इक्वल टू 6/QR. ये हमारा फर्स्ट पेयर हुआ और सेकंड पेयर में हम लेंगे 4/8 इज इक्वल टू 5/PR. ये हमारा फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर होगा हमारा 4/8 इज इक्वल टू 5/PR. फर्स्ट पेयर में हमने इन दोनों का जोड़ी बनाई और सेकंड पेयर में हम इनका जोड़ी बनाएंगे. अब देखिए हमने वैल्यू ले लिया. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 4 इंटू QR इज इक्वल टू 8 इंटू 6. 8 और 6 का इंटू किए आंसर आ गया 48. अब ये इंटू 4 है इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड होगा. डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ गया 12. QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. QR की वैल्यू फाइंड हो गई. अब हम सेकंड रेशो लेंगे और PR की वैल्यू फाइंड करेंगे. हमने सेकंड रेशो लिया. सेकंड रेशो लेने के बाद में हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 4 इंटू PR इज इक्वल टू 8 इंटू 5. 8 इंटू 5 आंसर आ गया 40. अब ये इंटू 4 है इक्वल के इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड. PR इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4. डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर. तो PR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. हमने वैल्यू फाइंड कर ली. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है. ड्रॉ ए स्केच. हमें स्केच ड्रॉ करना है ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. हमें पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का स्केच ड्रॉ करना है. लेबल देम. उन्हें लेबल भी करना है. शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल बाय द सेम साइड. और करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए सेम साइन यूज करना है. शो द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड बाय नंबर इन प्रोपोर्शन. हमें शो करना है लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड बाय नंबर्स इन प्रोपोर्शन. हमने ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया और सेकंड ट्राइंगल PQR ड्रॉ किया. हमने लेबल ABC और PQR दिए. अब देखिए हमें लेबल देना था तो हमने लेबल भी दिए हैं. अब देखिए हमने एंगल जो है एंगल A के लिए X का साइन बनाया तो यहाँ भी एंगल P के लिए X का साइन. एंगल B के लिए हमने 0 बनाया तो यहाँ एंगल Q के लिए भी 0 बनाया. एंगल C को हमने 2 लाइन्स दिए तो एंगल R को भी हमने 2 लाइन दिए है. ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल. अब देखिए ये जो AB है AB हमारे 10 सेंटीमीटर है तो हमने इसका करस्पॉन्डिंग साइड जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर बताया है. BC 12 सेंटीमीटर है तो QR 6 सेंटीमीटर है. इस करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. जैसा 5 तो ये हो गया 10, 4 तो ये 8, 6 तो 12. इसे कहेंगे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. ओके थैंक यू.